वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीयूटी 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि 2025 सीयूटी एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि सीयूटी 2024 की क्या कट ऑफ रही थी और उसी के बेसिस पे आपको किस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि उस हिसाब से आप तैयारी कर सकें और आप एमएससी एग्रीकल्चर बीएचयू के लिए जो ये जो कट ऑफ है आपको टारगेट करनी है, और अगर बीएचयू में अगर आपको एमएससी एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए क्या कट ऑफ 2024 में गई थी और 2025 में आपको कैसे तैयारी करनी है, उस सब के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरे सजेशंस वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं, वहाँ पर क्विज वगैरह भी डेली बेसिस पर होते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बाकी नोट्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा, हैंड रिटन जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और अभी आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर बीएचयू, जो कि सीयूटी के थ्रू एंट्रेंस होता है, सीयूटी पीजी के थ्रू, उसकी क्या कट ऑफ रही थी 2024 के अंदर। 2024 के अंदर किस कैटेगरी वाइज अपन बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अपन बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए एमएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम बीएचयू उसके लिए कट ऑफ गई थी आपका, जिन लोगों का सीयूटी का आपको पता है कि 300 नंबर का पेपर होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं और एग्रीकल्चर जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। सारा आपको मैंने पैटर्न बता दिया है। तो 300 में से जिस स्टूडेंट के 210 नंबर थे उसको थर्ड राउंड तक, मैं यहाँ पे मोपअप राउंड की जो कट ऑफ है उसकी बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मोपअप राउंड हमेशा हो या ना हो या सीट खाली रहे या ना रहे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 210 नंबर जो लास्ट कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की, मतलब जनरल कैटेगरी की, इसमें आपको जो माइनर सब्जेक्ट्स है जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वगैरह हुआ या एक्सटेंशन हुआ, वो सब्जेक्ट्स मिले थे। अगर आपको टारगेट करना है एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, सोइल साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको जाना है तो आप कम से कम 20 से 30 नंबर ऊपर सोच के चलिएगा। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप इसमें मिनिमम कट ऑफ ना टारगेट करके आप लगभग 250 का स्कोर टारगेट करें अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और अगर आपको अच्छा सब्जेक्ट से एमएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम बीएचयू करनी है। दूसरी बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 195 मार्क्स तक आपको माइनर सब्जेक्ट मिल गया था, इकोनॉमिक्स या एक्सटेंशन थर्ड राउंड तक आपको मिल गया था, मोपअप राउंड की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी 2+4+5 मार्क्स की आप बात कर सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी से 4-5 नंबर या तो कम है या उसके इक्वल ही आपको देखने को मिलेंगे। और एस सी एस टी कैटेगरी के लिए 195 से कम 10 से 15 मार्क्स कम कर सकते हैं। ये आपकी कट ऑफ इस साल रही थी एमएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम बीएचयू माइनर सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपको मेजर सब्जेक्ट चाहिए एग्रोनॉमी सोइल साइंस वगैरह, तो आपकी जो ये मिनिमम कट ऑफ है उससे 15 से 20 मार्क्स या 20 से 25 मार्क्स आप ज़्यादा मान के चलिए। और मैं अब आपको बता दूं कि कट ऑफ डिपेंड करती है हमेशा पेपर लेवल पे, कि पेपर का लेवल कैसा आया था, तो पेपर का लेवल पे आपकी कट ऑफ डिसाइड करती है। तो आप अगर पेपर के लेवल को देखोगे, अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, अगर पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ कम जाएगी। तो आप पहले से ही ये मत कर लीजिएगा कि आपको देखो, अगर यूआर कैटेगरी से आप सोच रहे हो कि 210 नंबर पे मुझे कुछ एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो क्या पता पेपर और भी इजी आ जाएगा तो कट ऑफ 10 नंबर बढ़ भी सकती है, क्या पता पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ डिक्रीज भी हो सकती है। तो यू हैव नॉट टू बी टारगेट द कट ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ, आसपास आप सोच सकते हो कि हमें इसके आसपास रहना है तो इस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो उस हिसाब से ही आपको पूरा गाइडेंस वगैरह भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन करूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप टारगेट करिए, मैं तो आपको कहूँगा कि आप टारगेट करिए बीएचयू को अगर आपको एमएससी एग्रीकल्चर करनी है, और सीयूटी के थ्रू इसका जो सीयूटी पीजी होता है उसके थ्रू आपका इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके स्कोर पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बाकी सारे प्रोसेस, कैसे एडमिशन होता है, कैसे काउंसलिंग होती है, कब नोटिफिकेशन आता है, वो सारी चीज़ें आपको अलग वीडियो में बता दी जाएगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सीयूटी पीजी की कट ऑफ के बारे में बात हो गई, साथ में मैंने आपको बता दिया आपको 2025 के लिए कैसे तैयारी करनी है, और मैंने ये भी बता दिया कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो आपके टेस्ट सीरीज है
वो सारी मिलने वाली है। और अभी एग्जाम में ज़्यादा समय रहा नहीं है, लगभग 4 से 5 महीने आपके बचे हैं, क्योंकि मार्च से अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा CUET PG का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन 4 से 5 महीने अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको एडमिशन BHU में हो पाएगा, क्योंकि BHU के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो आपको जवाब मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय दोस्तों।